नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ कृतिका। फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिहार के रहने वाले फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के एक फ्लैट में खुदकुशी कर ली। महज 34 साल की उम्र में मौत को गले लगाने वाले बॉलीवुड स्टार, बिहार से उनका गहरा नाता था। उनकी स्कूलिंग बिहार की राजधानी पटना से हुई थी। पटना में सुशांत के परिवार का हाल बुरा है। उनके पिता के सिंह पटना में ही रहते हैं। उन्हें फ़ोन पर सुशांत की मौत की खबर मिली और अभी बोलने के हालात में वो नहीं हैं। फिलहाल वे सदमे में हैं और परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं इस घटना से सुशांत के गांव वाले और उनके चाचा का कहना है कि एक राष्ट्रवाद युवक की हत्या हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं गांव वाले और उनके चाचा, आइए सुनते हैं। एक राष्ट्रवादी युवक की हत्या हो गई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कोई भी राष्ट्रवादी आदमी, कोई भी नौजवान सुरक्षित नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूं। और ये इसकी तो जांच होनी चाहिए सीबीआई से। अगर सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य होगा बिहारियों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, राजपूत समाज के लिए। इसलिए राजपूत महासभा मांग करते हैं कि माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इसकी न्यायिक जाँच हो, सीबीआई से जाँच हो। क्योंकि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले उनका मैनेजर आत्महत्या किया था, और हत्या हुआ, और हत्या होने के बाद जिस तरह से उनको दबाव में, चाहे वो पुलिस का दबाव हो, प्रशासन दबाव हो, लोकल दबाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को दबाव में रखा, क्योंकि वो ऐसा दिलेर था, एक ऐसा दिलेर क्षत्रिय था, एक ऐसा राजपूत था, वो हत्या आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसकी हत्या की गई है। यही मांग हम आप लोगों से। मेरा नाम आरसी सिंह है, मेरा वो भांजा लगता है, और मैं आप ये मांग करता हूँ कि उसकी जाँच होनी चाहिए, और हम कुछ नहीं, दूध का पानी हो जाएगा, यही हम चाहते हैं। विधायक जी, हम चाहते हैं कि आप भी मांग करिए कि उसकी न्यायिक जांच हो सरकार से, महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच करवाए, केंद्र सरकार मांग कराए, क्योंकि उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। सोचा भी नहीं जा सकता इस तरह की घटना। हम लोग हतप्रभ हैं और कि इतना छोटा लड़का इस तरह का कदम उठा लेगा। अब क्या है, यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम पहुँचते हैं पटना, और फिर मुंबई जाना पड़ेगा, तो मुंबई जाएंगे या तो फिर डेड बॉडी पटना आएगा, तभी निकल रहे हैं, विशेष बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम सबसे छोटा भाई हमारा, 5 भाई में हम लोग सबसे छोटा भाई था, वो कज़न था, और बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही नाइस पर्सन था, एकदम होनहार, जो आप देख रहे हैं पूरा चैनल, टीवी, हर जगह फिल्म में, और शुरू से ही एक मैंने जिंदा इंसान टाइप का लड़का था, और इस तरह का हो जाना तो समझिए सके कि बहुत बड़ा क्षति हो गया, परिवार के क्षति के साथ साथ पूरा राज्य और देश का क्षति हो गया है। ये अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, अब क्या है, जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।